शिवपुरी के करौंदी कॉलोनी में रहने वाले एक युवक ने फेसबुक पर लाइव आकर मच्छर मारने की दवा पी ली थी। इसके बाद उसका सोशल मीडिया पर जमकर वीडियो वायरल हुआ था। वहीं युवक को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। युवक ने लाइव आकर अपने ससुरालियों पर आरोप लगाए थे, जिसके बाद उसने वीडियो में कहा कि पिताजी मुझे माफ करना, ससुरालियों द्वारा प्रताड़ित होकर मैं आत्महत्या कर रहा हूं। आज इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। वहीं युवक की पत्नी भावना शाक्य निवासी ठाकुरपुरा, हाल निवासी कमलागंज घोसीपुरा एसपी ऑफिस पहुंची, जहां उसने बताया कि उसकी पिता ने हिंदू रीति रिवाज के साथ उसकी शादी राजेंद्र शाक्य के साथ की थी, लेकिन उसके घर वाले लगातार दहेज की मांग करने लगे, साथ ही 5 लाख की मांग भी करने लगे और उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। 26 नवंबर 2022 को शाम के 5 बजे राजेंद्र शाक्य, ससुर नारायण शाक्य, सास प्रेम शाक्य और जेठ राजकुमार शाक्य, जेठानी शशि शाक्य निवासी ठाकुरपुरा द्वारा कहा गया कि 5 लाख रुपये लेकर आओ, नहीं देने पर महिला एवं पुत्र की मारपीट कर दी। जिसके बाद महिला ने बताया कि उसका पति राजेंद्र शाक उसे जहर देकर मारने की कोशिश करने चाहता था और महिला को पहने हुए कपड़ों में ही घर से निकाल दिया। जिसके बाद उसे मालूम चला तो वह मेडिकल कॉलेज पहुंची, जहां उसकी मारपीट की गई। वहीं आज एसपी से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। मैं राजेंद्र कोली अपने ओसावास में, मेरी पत्नी भावना, सास ससुर दिनेश, ममता, मामा ससुर गोपाल, चाचा ससुर राहुल और परिवार के सभी सदस्य उसका भाई चंदन आए दिन मुझे प्रताड़ित करते हैं और मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं, दहेज का झूठा आरोप लगाते हैं और धमकी देते हैं। इसलिए मैं अपने होश आवास में अपना जीवन समाप्त कर रहा हूँ। मम्मी पापा मुझे माफ़ करना, मुझे इंसाफ चाहिए।